देश भर में जिन शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाना है, उस लिस्ट में राजधानी देहरादून का नाम भी शामिल था। इस प्रोजेक्ट में 30 जून 2023 तक काम कराने की समय सीमा तय की गई थी, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो सड़कें एक सीजन भी नहीं निकाल पाती हैं, उन्हें ऑल वेदर रोड बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कमेटी के सदस्य खजान दास ने बताया कि उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक की थी, जिसमें अभी तक पूरे हुए कार्यों के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई थी। इस बैठक के बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सभी कामों को जून 2024 तक पूरा करने की डेडलाइन तय की गई थी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, इस प्रदेश में हम हर साल ये देखते हैं कि शासन की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से चेतावनी जारी होती है। मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर चुके हैं कि प्रदेश की सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे। उसके बाद जो है गड्ढा मुक्त ऐप भी लॉन्च किया गया था, और उसके बाद क्या हुआ आप बताइए। राजधानी देहरादून में ही आप किसी भी गली में निकल जाइए, किसी भी सड़क पर निकल जाइए, चलना दुभर हो रहा था। अब जो है 450 करोड़ का बजट जारी किया है, ऐसा कहा जा रहा है। कहीं कहीं जो है गड्ढे भरे भी जा रहे हैं, लेकिन गड्ढों से पूरी तरह से निजात राजधानी को मिल पाएगा, इसमें बड़ा संदेह। और पूरे प्रदेश की हालत तो बहुत खराब है, आप दूर दराज में चले जाइए। देखिए, कुल मिलाकर के जैसे स्मार्ट सिटियों की गतिविधियां रही है, स्मार्ट सिटी का जिस तरह से वर्क रहा है, जो धीमे गति से चल रहा था, ऐसे कंपनियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन में आकर के उन कंपनियों का बाकायदा अनुबंध समाप्त किया और दूसरी कंपनियों को हायर किया। इसलिए अब मैं कहना चाहूँगा कि अब कार्यदायी जो संस्था है वो उत्तराखंड की ही है, चाहे वो जल संस्थान है, जल निगम।